एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, युद्धघोषक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 119वीं जयंती का कार्यक्रम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन सपनों को साकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। देश की आजादी के बाद जब कांग्रेस ने छद्म रूप से देश के संविधान में धारा 370 का प्रावधान करते हुए देश के अंदर आतंकवाद के बीज की नींव रखी थी, उस समय कांग्रेस के इस कृत्य का विरोध प्रखर रूप से अगर किसी महापुरुष ने किया था वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। कश्मीर के परमिट सिस्टम को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया और आज उनका सपना साकार हुआ जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है और उसके बाद कश्मीर के अंदर भारत के सभी कानून लागू हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति आज गौरवान्वित है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार के इस कार्य के लिए। स्वाभाविक रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह सपना साकार होना हम सब के लिए गौरव की बात है। आज जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 119वीं जयंती का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 5 वृक्ष लगाने का जो अभियान प्रारंभ किया है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज हर बूथ पर 5 वृक्ष भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा रहा है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति, जो सृष्टि के प्रति, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के इस भाव को चरितार्थ करने का अभियान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करने का एक अभियान है। मैं इस अवसर पर इस महापुरुष को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।